दिलासा चैनल देख रहे सारे दर्शकों नूं कवलजीत वल्लों प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, जिस तरह कि तुसीं जानदे हो कि असीं शहर दी किसे ना किसे शख्सियत नूं लैके तुहाडे सन्मुख हाजर हुंदे आ, जो कि तुहानूं तुहाडियां प्रॉब्लम्स दे बारे जागरूक करके, उन्हां बारे जानकारी दे के ते तुहाडी हैल्प करदे ने ताकि तुसीं अपनी प्रॉब्लम्स तों निजात पा सको। उस कड़ी के तहत अज असी हाज़र होए हैं अमृतसर दे मशहूर डॉक्टर साहब डॉक्टर इंद्रपाल सिंह पसरीचा जी, जो कि पसरीचा मेडिकेयर सेंटर प्लस अमृतसर एनवायरो केयर सिस्टम जिहड़ा प्राइवेट लिमिटेड हैगा उन्हां दे मैनेजिंग डायरैक्टर ने। इहदे नाल नाल डॉक्टर साहब दी एक जिहड़ी प्रमुख होर वड्डी क्वालिटी हैगी है कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल दे विच सेवावां दे नाल नाल बहुत ही ज़्यादा समाज सेवी संस्थावां दे नाल जुड़े हुए हैं, जिहड़े कि तुहानूं समय तो समय समाज दे विच सारियां जिहड़ियां वो अपनियां सेवावां दे के समाज सेवा दा काम बहुत ही वध चढ़ के करदे हन। ते डॉक्टर साहब दे नाल अज तुहाडी असीं गल्लबात करवाने आ, तो डॉक्टर साहब को थोड़ा जिहा उन्हां बारे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो तुहाडा स्वागत है साढ़े पब्लिक दिलासा चैनल दे इस जागरूक प्रोग्राम दे विच, ते प्लीज़ तुसीं अपने बारे थोड़ी जी जानकारी जनता नूं दिओगे। मैडम कमलजीत जी, तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ। थैंक यू सर, अज टाइम निकाल लिया मेरे नाल गलबात की, मैं भी चाहवां कि मैं लोगों के नाल अपने मन की गल रख सकां, मन की गल करा। बिल्कुल, मैं मेडिकल प्रोफेशन कोई पिछले 30 साल तो मैं मेडिकल प्रोफेशनल रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस कर रहा हाँ हरिपुरा एरिया दे विच। एरिया मतलब काफ़ी हुण तो खैर बहुत चेंज आ गया, लेकिन जिस टाइम मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की थी काफ़ी स्लम एरिया सी, इतने काम करना काफ़ी मुश्किल मैं पेश आईया मैनू उस टाइम तो हालात भी इस तरह के सी, मतलब काफ़ी लगभग मैं अपनी जी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, मैं 87 अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उदों हालात भी काफ़ी खराब सन उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिनों के विच मतलब कभी करफ्यू लग रहा है, कभी कुछ जगह पर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम सी वो फेस की थी। कुछ एरिया इस तरह का सी वो स्लम एरिया सी, वो भी काफ़ी दिक्कत आई, पर मैं अपने परिवार वांगू समझ के मैं इतने मतलब मैं काम करना बड़ा चंगा लगा, तो मैं लोगों की सेवा करना भी चंगा लगा। देखो लोग काफ़ी इतने पुअर लोकैलिटी सी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बहुत माड़ा सी, लेकिन टाइम के नाल हुण बहुत चेंजेस आई हैं पहले नालों, लेकिन वो चलो बहुत अच्छी गल हुई है। तो वो जो हालात से मैं जो देखे ने कि लोगों के कोल इलाज कराने वास्ते पैसे भी नहीं कोल होंदे, मतलब काफ़ी लोगों के घर बड़े जस्ट लाइक असं एक पेंडू एरिया कह सकते हैं। पर हुण तो परमात्मा की कृपा का बहुत चेंज है, पिछले 30 सालों मैं 32 साल देखा काफ़ी कुछ चेंज होया इतने, तो मैं भी मैं इस एरिए प्रैक्टिस करके बहुत खुश हाँ, मैं बड़ा चंगा लग रहा। तो सब तो वड्डी गल मैं कोशिश की है कि इस एरिए मैं जिन्या कोई वध तो वध सहूलत देने की कोशिश करा एक छत थले। हुण भी असं जो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है, वो असी तकरीबन जो मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल सर्विसिज होनी चाहिए है वो असी देने की कोशिश कर रहे हैं, होर भी उन्होंने सर्विसिज को अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असी जनरल मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थो अपना सर्जरी हर तरह की असी सर्जरी कर रहे हैं, जनरल सर्जरी करते पे हैं, फिर उस तो अलावा असी यूरोलॉजी कर रहे हैं, पेडियाट्रिक्स का असी काम कर रहे हैं, साढ़े को वेल इक्विप्ड ICU है, असी होर भी इनू होर वधा रहे हैं, डायलिसिस यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। फिर मेरी भी कोशिश है कि जिन्हें मैं इस एरिए में फैसिलिटीज दे सकता मैं देने की कोशिश कर रहा, वो भी सबसिडाइज रेट्स के उपर। मैं इस एरिए का पता है कि लोगों की मतलब किस तरह की पोजिशन है, मैं वो अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश कर रहा कि लोगों को यह ना लगे कि सानू इतने सानू काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने पैंते हैं, उन्होंने घट तो घट रेट्स के उपर मैं जरा उन्होंने सर्विसिज दे सकता, वो मेरी कोशिश हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तुसी बड़ी अच्छी डिटेल जानकारी जिहड़ी है वो अपनी प्रति दित्तियां जिहड़ियां सेवावां ने उहदे बारे दित्ती है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल दे सारियां फैसिलिटीज जिहड़ियां असीं प्रोवाइड कर रहे हो, उहदे नाल दे नाल सानू इह पता लग्गिया सीगा कि तुसी कोविड दे पीक दे दिनां दे विच वी लोगां दी बड़ी हैल्प कीती, उन्हां नूं फोन दे उत्ते प्रिस्क्रिप्शन जिहड़ी है वह दित्ती, बिना फीस लए उन्हां दा इलाज करन विच उन्हां नूं फोन ते राय दे के हैल्प कीती, उहदे बारे तुसी की दसोगे सर? मेरी नेचर ही है, शुरू तो मेरी नेचर है, मैं अज तक भी मेरे को कभी मेरे मुँह चो ना नहीं निकली, मैं ना कभी किसी ना कर सकिया। जिस वेले भी मैनू मेरा 24 आवर मेरा फोन मेरा ऑन होंदा,
जिस वेले मेरे किसी ने कोई जरूरत समझी है या कोई एमरजेंसी दौरान मेरे कोई गल करनी, अगर तो मैं हॉस्पिटल बुला के भी हेल्प कर सके वो करने की कोशिश की है। अगर कोई मेरे को नहीं पहुँच पाया तो मैं उन्होंने टेलीफोन पर भी टेलीफोनिकली भी जो हेल्प हो सकती थी, चाहे प्रिस्क्रिप्शन लिख के, चाहे मान लो किसी ने कहा मैंने कैमरे शॉप पर मेरी गल करवा दो, जिस तरह मैं किसी की हेल्प कर सकता मैं वो करने की कोशिश की है। वो मेरी हूँ भी कभी शुरू तो चल रही है, हूँ भी मेरी कभी बंद नहीं हुई उस काम वास्ते, मेरी कभी ना नहीं है कभी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो तुसी मेडिकल लाइन के नाल संबंधित तरीका लोगों की हेल्प की, लेकिन उस तो इलावा तुसी सारे इलाके दे विच बहुत पॉपुलर है इस गल करके कि तुसी बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावां दे नाल जुड़े हुए हो, समाज सेवी संस्थावां दे विच जिहड़ा वै ओ हेल्प करते हो लोगों की। डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि तुसी हॉस्पिटल दे नाल संबंधित जिहड़ियां सेवावां लोगों नूं दिंदे हो, उस तो इलावा तुसी अपने पूरे इलाके च बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैगे हो, लोग तुहानूं बहुत प्यार करदे ने, इस करके कि तुसी मेडिकल लाइन तो इलावा भी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करदे हो, तुसी दसोगे कि तुसी किस किस तरह दीआं समाज सेवी संस्थावां दे नाल काम कर रहे हो तो लोगों की मदद कर रहे हो? साढ़े मेरे इस तरह है, मेरे असी एक साड़ी मानव अधिकार संघर्ष कमेटी है जी, साड़ी रजिस्टर्ड NGO है, वो थ्रू असी मतलब जोड़े असी जरूरतमंद लोग ने, चाहे तो उन्होंने राशन की जरूरत हैगी है असी वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जोड़े बच्चे नीडी बच्चे ने उन्होंने स्कूल फीसिज भी असी दे रहे हैं, उन्होंने असी बुक्स भी लैके दे रहे हैं, यूनिफॉर्म्स भी लैके दे रहे हैं, और भी अगर मान लो किसी कोई मैरिज से किसी को जरूरत पड़ती है उसकी कोई हेल्प करने की जरूरत है असी वो असी कोशिश कर रहे हैं, प्लस असी ईवन कोई लीगल एड किसी ने जरूरत हैगी है, साड़ा लीगल सैल है वो असी किसी को जरूरत है असं लीगल हेल्प भी उन्होंने असी लैके दें, प्लस साड़ी सुखमणी साहब सेवा सोसायटी है असी भी वो थ्रू भी जिनी भी असं लोगों की सेवा कर सकते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम भी साढ़े कोई हेल्प वास्ते पहुँचता वो असी इकट्ठे हो के मेरे को जिनी हो सकती मैं भी कोशिश करता, मेरे जो होर भी मेरे मैंबरस ने साड़ी कमेटी के वो भी जिनी अपने वालों जिनी उन्हों की मतलब कोशिश होती है कि जिन्ना को कर सकते हैं वो गाने असी कलैक्शन करके असी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, असी कोशिश होती कि असी जो साढ़े कोई आया है तो उन्होंने साढ़े वालों कोई ना आवे अभी वो काम आ सकी है, वो सूँ खुशी महसूस होंगी है, तो मेरे जो मैंबरस ने साड़ी सोसायटी से वो भी सारे ही बहुत चंगे ने, तो मेरी हमेशा उन्होंने कभी किसी गल टालन की कोशिश नहीं की, तो मेरा पूरा साथ दें। बहुत बहुत वधिया डॉक्टर साहब, तो जेड़ा तुहाडे लाइफ का तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू हैगा वो हैगा अमृतसर एनवायरो केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिदे विच कि जिस तरह सारे लोगों नूं पता है कि सारे शहर का जेड़ा मेडिकल वेस्ट हैगा वा वो तुहाडे प्लांट दे विच आ के ते वो वेस्ट नूं तुसी मैनेज करदे हो, वेस्ट नूं जेड़ा रीसाइकल करके वो सारा सिस्टम जेड़ा वा हैंडल करन दा काम तुहाडे अमृतसर एनवायरो केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड दे कीता जांदा है। मैं तुहाडे को पुछना चाहवांगी इन्हां कोविड दे दिनां दे विच कोविड का जिहड़ा वेस्ट हैगा, कोविड नाल संबंधित जिहड़ा वेस्ट है उहनूं तुसी किद्दां हैंडल कर रहे हो ते वो किस तरह के प्रोसीजर के नाल मैनेज किया जाता सर? मतलब इस तरह है कि देखो मैं जो बायोमेडिकल वेस्ट है मेरा प्लांट है अमृतसर एनवायरो केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम के नाल मेरा जरा बायोमेडिकल वेस्ट जी है उन्होंने मैनेज कर रहा हूँ, मैं 2004 तो रन कर रहा, ओके 2004 तो रन कर रहा, वो देखो मेरे लाइफ का फस्ट टाइम है जो असं फेस किया है कोविड वाला पीरियड जी, देखो असी वेस्ट तो असं मैनेज कर ही रहे थे, जो रूटीन जो साढ़े को बायोमेडिकल वेस्ट आ रहा है मेरे को तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट मेरे को वेस्ट असी हैंडल करते हैं जी, जो असं डेली वेस्ट तो कलैक्ट करते हैं, उस तो बाद ट्रीटमेंट होता साढ़े प्लांट के उपर जी, तो जरा टाइम आया कोविड जो टाइम है पेंडेमिक असं कह दें वो मेरी लाइफ का मतलब यहोजा पीरियड जरा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सू यह टाइम फेस करना पेगा, असी जो स्टार्ट होया पेंडेमिक पिछले मार्च के जो लॉकडाउन होया जी, उदों पेंडेमिक के दौरान जी आप कोविड वेस्ट या असी पहलियाँ जी आप वहीकल स्टार्ट किए, एक्चुअली CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की गाइडलाइनस ने कि जोड़ा कोविड वेस्ट है उन्होंने असी अलग कलैक्शन अलग होनी है, ओके ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵਹੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ PPE ਕਿੱਟਸ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੋ ਮਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
इंसनेशन जी है तकरीबन 1250 डिग्री सेंटीग्रेड 1100 तो लैके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर से भी उसकी बर्निंग होती है जोड़ा वेस्ट है वो असी मतलब अपना नष्ट कर देने डिस्ट्रक्ट कर देने वेस्ट में सा वेस्ट जो फिर ट्रीटमेंट साढ़ा इस तरह होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। पिछले दिनों सू प्रॉब्लम आई कि रूटीन वेस्ट के नाल नाल साड़ी जिनी साड़ी रूटीन वेस्ट आ रही थी उन्नी उन्नी कोविड वेस्ट मतलब डबल हो गई डबल हो गया डबल हो गई डबल वेस्ट हो गया साड़ा वेस्ट जरा असी जिन्ना वेस्ट असं हैंडल कर रहे थे उस तो डबल वेस्ट सू हैंडल करना पे डबल शिफ्ट मतलब प्लांट चलाना पे प्लांट चलाना पे असी मतलब बहुत अच्छे तरीके असी किया सारा कुछ मेरे जो मैन पावर है मेरे जो सबॉर्डिनेट मेरे नाल जो काम कर रहे हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिता मैं उन्होंने भी बिल्कुल ऋणी हाँ जहाँ ए टाइम से मैं सूँ पता है कि सब तो पहले बहुत डर से बहुत ज़्यादा कि कोई भी कॉविड वेस्ट को हथ लाने तैयार नहीं सीगा लेकिन असी उन्होंने पुशअप दे के मतलब मोटीवेट करके मैं पता कि अपने जो मेरे मैन पावर है उन्होंने असी काम करा मैं जबकि डेली मैं उसे मैं जाना पाया प्लांट से मैं डेली उन्होंने मोटीवेट किया उन्होंने समझाया गाइड किया कि तुम वेस्ट इस तरह हैंडल करनी है इस तरह वेस्ट मतलब हर किस तरह वेस्ट कलैक्ट करनी है वो वास्ते साडे सिस्टम की है असी की प्रकोशनस लैनी है उन्होंने मैं उन्होंने डेली तकरीबन स्टार्ट से उन्होंने तकरीबन आलमोस्ट उन्होंने डेली समझाना पाया फिर उस तो बाद रूटीन बन गया उन्होंने मेरा पूरा साथ दिता बहुत अच्छे तरीके असी टाइम निकालिया तो असी परमात्मा के मैं अरदास करना कि यहोजा टाइम जल्दी से जल्दी ठीक हो असी चाहते हैं कि सारे तंदुरुस्त होन तो यह टाइम जरा होर अच्छा आ जाए सारे वास्ते तो मैं मेरी भी मतलब परमात्मा के बिल्कुल अरदास हैगी है कि यह टाइम जरा कोविड पीरियड है जल्दी जल्दी खत्म हो सारे लोग तंदुरुस्त होन तो असी भी जी सू असी सेवा दे रहे हैं वो तो मुक्त होइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छी उमदा तुसी जानकारी दिती है बड़ा अच्छा लग्या लोगों के नाल तुसी अपने जेड़े सारे तुहाडे बिजनेस है वर्क है तुहाडी समाज सेवी संस्थावां दी जिहड़ी वर्किंग है तुसी सांझी कीती उम्मीद है दोस्तों तुहानू डॉक्टर साहब नाल कीती हुई जानकारी गलबात बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होवेगी। डॉक्टर साहब बहुत ही वर्सेटाइल परसनैलिटी ने जेड़े कि बहुत ही अच्छे तरीके नाल समाज सेवी संस्थावां मैडिकल लाइन मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके नाल कर रहे हैं। अगो फिर इस तरह दोस्तों तुहानू किसी ना किसी प्रमुख शख्सियत दे नाल रूबरू करवावांगे तद तक प्यार भरी नमस्कार। ओके डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत थैंक्स।